लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सनी, अरे सनी, तू यहाँ है? अरे सनी, तू यहाँ कब आया? बताया तक नहीं? वहां प्रोफेसर साहब तुझसे मिलना चाह रहे थे। देख, मैंने तेरी तरफ से माफी भी मांगी, कल से तो कॉलेज जा नहीं सकता है। यार देख सनी, मैंने बहुत सोचा और बहुत सोच समझकर स्ट्राइक वापस लेने का फैसला किया। आज मैंने भी एक फैसला किया है। कैसा फैसला? आज के बाद नाग इस दुनिया में नहीं रहेगा। क्या ये कैसे पागलपन है सनी? तू दोस्त है ना मेरा? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत चाहता है ना तू मुझे, मेरी हर बात मानता है ना तू? ये तो सारी दुनिया जानती है। तो ये ले, नाक को गोली मार दे। नहीं मार सकता ना तू? नहीं मार सकता? क्यों? क्योंकि उसके सामने माफी की भीख मांगकर तेरी जय जयकार हुई है, उसके चरणों की धूल चाटकर। दरअसल तू बहुत ऊंचा उठ चुका है, कॉलेज का नेता बन चुका है तू। और सनी, सनी को क्या मिला? बेइज्जती, बदनामी, धुतकार। नहीं सनी, तुझे गलतफहमी हुई है। तो फिर ले ना, ले, मार उसे, मिटा दे गलतफहमी। देख देख सनी, इस वक्त तू बहुत गुस्से में है, तू ये भी नहीं सोच पा रहा कि गुरु भगवान का, अगर गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है तो फिर दोस्त क्या होता है? दो दिन कॉलेज क्या नहीं गया, बोला भगवान बन गया तेरे लिए। अरे सनी कुछ नहीं, जिसने आज तक भूख और प्यास को तेरे घर में कदम रखने नहीं दिया, बहुत सनी तेरे लिए कुछ नहीं रहा। जो दोस्ती के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहा, बहुत सनी तेरे लिए कुछ नहीं रहा। अरे सनी के आस्तीन के जहरीले सांप, अगर इतने एहसान सनी ने किसी कुत्ते पर भी किया होता ना, तो वो भी उस नाक पे भौंकता और इस सनी के सामने दो मिलाता। हाँ। बोल, जितना बोलना है बोल सनी, मैं तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा, बोलना तेरा हक है, सुनना मेरा फर्ज है। आखिर हम दोस्त जो ठहरे। दोस्त मत बोल मुझे, अपनी दोगली जुबान से दोस्त मत बोल मुझे कुत्ते। तू गद्दार है गद्दार, बचपन से लेकर आज तक तूने सनी की दोस्ती देखी है, अब दुश्मनी भी देख ले। प्रोग्राम की लिस्ट में तैयार कर दी, विजय फाइल देना। आपने सबको चेक कर लिया ना? जी हाँ जी। अरे गुजाल साहब, आप यहाँ कैसे?
मैं इस हरामजादे से मिलने आया हूं। अपने आप को गुंडा समझता है तू? अरे तू प्रोफेसर है या गुंडा? सनी से दादागिरी करता है तू? क्या कह रहे हैं? उसका जीना मुश्किल कर दिया तूने, लोगों के बीच जलील करता उसे। कम से कम ये तो सोचा होता कि सनी मेरा बेटा है, गुजराल का बेटा, गुजराल। मेरे बेटे से खुशियां छीनकर मुझसे नाता जोड़ना चाहता है तू? जी चाहता है तुम्हारा गला दबा कर तुझे मार ही डालूं। गुजराल साहब, गुजराल साहब, ये क्या करे? प्रिंसिपल, ज्यादा आवाज की ना तो ये कॉलेज कॉलेज नहीं रहेगा, खंडर बना के रख दूंगा इसे। तुम दोनों अपने औकात में रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और प्रिंसिपल, हर प्रोफेसर को वार्निंग दे दो कि वो इस कॉलेज में सिर्फ एबीसीडी पढ़ाए, अगर ज्यादा प्रोफेसर ही दिखाए ना तो जीना हराम कर दूंगा। आपसे गले मिलने का मतलब यह तो नहीं था कि मैं जिस रास्ते पर चलूं आप भी उसी रास्ते पर मेरे पीछे चले। किसने कहा था आपको कॉलेज जाने के लिए? तुम्हारी बेबसी ने, तुम्हारी तड़प ने, तुम्हारी परेशानी ने। किसने कहा मैं परेशान हूं? मुझे कोई परेशानी नहीं। सर उठाकर दुश्मन को एक ही वार में खत्म करने वाला सनी आंख में चोली कब से खेलने लगा है? विजय को जिंदा भी देखना नहीं चाहते और मारते भी नहीं। लगता है आज भी तुम उसे चाहते हो। चाहता हूं, इसलिए तड़पाता हूं। उसे तड़पाते तुम्हारा तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता बेटे। आखिर कब तक चलेगा? जब तक मैं चाहूं, और आप बीच में नहीं आएंगे। ठीक है बेटे, लेकिन एक बात ध्यान से सुन, तुम्हारे लिए अगर मैं किसी को मार सकता हूं तो मर भी सकता हूं। चलो आगे, चलो चलो चलो। ये क्या है? अरे ये मेरे डिब्बे में कैसे है? पैर लगे हैं क्या? अपने आप चलकर आ गया। चलो मैनेजर के पास। आप मेरी बात सुनिए, मुझे कुछ पता नहीं है, ये मेरे डिब्बे में किसने रखा है? आप यकीन कीजिए मैंने ये चोरी नहीं की है। अरे चल चल चल। अरे अरे चल। देखिए आपको जो भी कहना है मैनेजर से कहिए। देखिए देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए कोई गलत फहमी हो रही है, आप समझने की कोशिश तो कीजिए। आप यकीन कीजिए मैंने ये सनी। अचानक कहाँ जाएंगे? हमें थोड़े दिन की और मोहलत दे दो, हम आपका एक एक पाई चुका देंगे। सेठ जी, ये तो मैं पिछले 6 महीने से सुनता आ रहा हूँ, तुम्हारा कल और अगला महीना तो आता ही नहीं, अब और इंतजार नहीं होता, हद होगी ये इंतजार की। अरे जल्दी करो। सेठ जी ऐसा मत कीजिए, उनको फैक्ट्री से आने तो दो, आज उनकी पगार का दिन है, जैसे वो आते हम आपके एक एक पाई चुका देंगे। अरे भाई, हमको पैसे मिल जाएंगे तो हम ये सामान अंदर रखवा देंगे। क्या हो रहा है? सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? अरे रोकिए इन्हें, सुधाइए। ये लोग पैसे मांगने आए हैं, इनको आप अपनी पगार दे दीजिए। वो पगार तो क्या हुआ? नहीं मिली ना, मालूम था, उड़ा दी सब जुए में। जबान संभाल कर बात कर। ए, आंखें नहीं दिखाना, नोट दिखाना, नहीं तो हट बाजू। चल चल, मेरे पर हाथ मत रख। तू अपने आप को समझता क्या? अरे मैं कहता हूँ सामान वापस रखो। अगर ये नहीं हो सकता, इन्हें घर से बेघर करके आप सानी के दिल में अपना घर नहीं बसा सकते। आप बीच में मत आइए, बीच में मत आइए आप, ये मेरी लड़ाई है आपकी नहीं। प्लीज प्लीज, ये आखिरी बार समझा रहा हूं मैं आपको, वरना कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो प्लीज।
विजय, किसने मेरे भाई को हाथ लगाया? आराम साधो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर घुसकर सामान को हाथ लगाने की? हाँ, लगा, हाथ लगा, लगा, सारे भाड़े के टट्टो, हाथ तोड़कर गले लगा दूंगा सबका। अरे ओ भाई, तू है कौन? क्यों इतनी हमदर्दी दिखा रहा है इन लोगों से? क्या लगते हैं ये तेरे? वो मेरी माँ है, वो मेरा भाई। सानी के होते हुए उसके घर को बेघर कोई नहीं कर सकता, समझे? अरे इनको बेघर करने के लिए अदालत से, कोर्ट से कागज लाया हूँ। कोर्ट के कागज थे? अरे अरे थे, समझे? अरे तूने इसको फाड़ दिया, अदालत को चैलेंज कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है। अपने लोगों के लिए सानी किसी भी अदालत को चैलेंज कर सकता है। सानी ने भूख और प्यास को तेरे घर में कदम रखने नहीं दिया। अगर इतने एहसान सानी ने किसी कुत्ते पर भी किया होता ना, तो सानी के सामने दो मिला था। आज के बाद मेरा परिवार किराए के मकान में नहीं रहेगा। ये रहा ब्लैंक चेक, मकान की कीमत भर लेना। हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, समझ गया? समझ गया तू क्या चाल चल रहा है? तेरे रहम और करम पर रहने से अच्छा है कि हम लोग फुटपाथ पर रहे। विजय, ये क्या कह रहा है तू? इसके एहसानों का ये सिला दे रहा है तू? माँ, तुम इसकी चालों को नहीं जानती, ये ढोंगी है, ये धोखेबाज है। विजय, माँ, मैं देख लूंगा, आप अंदर जाइए। ए सेठ, ये ले चेक, पेपर साइन करके घर पे भेज देना, समझा? हाँ सेठ। ए चलो सामान अंदर रखो। तेरी इसी अदा पर तो मरता था सनी, तुझे मिटाने के लिए तो सिर्फ एक गोली काफी है, मगर नहीं, तुझे बचना है, जिंदा रखना है, हर दिल से तोड़कर तुझे अकेला करना है। गद्दार कैसे होते हैं ये दुनिया को दिखाना है। दोस्ती खुल्लम खुल्ला की थी ना, अब दुश्मनी भी खुल्लम खुल्ला होगी। मजा आएगा, आई लाइक इट। जब भी तुझे गुस्सा आएगा ना, सनी कारों की लाइन खड़ी कर देगा, तोड़ते रहना, और सनी दिल तोड़ता रहेगा। अरे दौलत के नशे में इतना मत झूम सनी, जो दिल तोड़ता है ना उसे ये जमीन भी परानी देती। और जिस दिन तेरे दिल और दिमाग से इस दोस्त की दुश्मनी का नशा उतर जाएगा ना, तब तुझे दोस्त की जरूरत पड़ेगी और उसकी दोस्ती के लिए तड़पेगा। मगर ना तुझे दोस्त मिलेगा ना उसका दिल। उस दिन मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है।